हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे, जिसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये गोभी है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, नमक स्वादानुसार, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अजवाइन और लाल मिर्ची पाउडर स्वादानुसार। आइए अब इसको बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये मिर्ची मिलाएंगे, यानी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और एक चम्मच लाल मिर्ची और आधे चम्मच अजवाइन। इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और नमक नहीं मिलाएंगे। अगर नमक मिला देंगे तो फिर हमारे पराठे फटने लग जाएंगे, इसलिए नमक हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। ये देखिए कि मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आइए इसके पराठे बना। ये देखिए, ये मैंने कांटे की बॉल बना ली है, अब इसको मैं बेलूंगी। ये देखिए, इसको मैंने बेल दिया है। अब जो मैंने गोभी का ये मिक्सचर तैयार कर रहा था वो डाल दूंगी इसके अंदर, और ये नमक आप इसी के अंदर डाल के इस तरीके से मिक्स कर दें। ये देखिए, और इसको इस तरीके से रैप कर दें, और थोड़ा सा आटा, सूखा आटा फिर से लगा लें, और इसको हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरीके से बेलें। फ्रेंड्स, ये देखिए कि हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है, और ये देखिए कहीं से भी ये फटा नहीं है। अगर नमक हम पहले मिला लेंगे तो ये फट जाएगा। अब आइए इसको। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी, और थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी तवे के ऊपर। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये जो पराठा बनाया था मैंने, वो इसको धीरे से इस तरीके से डाल दूंगी, और थोड़े से इसके चारों तरफ ऑयल लगा दूंगी कि ये अच्छे से सिक जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं इसको पलट के देखूंगी। ये देखिए इस तरीके से, और इसके फिर से ऐसे ऑयल लगा के इसको सेकूंगी मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसको हल्के हल्के प्रेस कर रही हूँ कि ये अच्छे से सिक जाए, और फिर धीरे से इसको इस तरीके से मैं पलट दूंगी। ये देखिए, ये हमारा काफी अच्छा सिक चुका है पराठा। ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, और इसको हल्के हल्के मैं प्रेस करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको इस तरीके से पलट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा दोनों तरफ से पराठा सिक चुका है, और ये बनके तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से अब मैं दूसरे पराठे बनाऊंगी, और इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इसी तरीके से दूसरा पराठा बना लिया है, और ये बनके तैयार है। अब मैं इसी तरीके से इसको भी सेकूंगी। आइए अब इसको सेकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, और ये पराठा इस पे इस तरीके से डाल रही हूँ, और इसके चारों तरफ मैं इस तरीके से ऑयल डाल दूंगी कि ये पराठा अच्छा सा सिके, और गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पराठा अब नीचे से सिक चुका है। मैं इसको इस तरीके से पलटूंगी, और इसके नीचे भी इसी तरीके से ऑयल लगा दूंगी, और ये ऊपर वाले हिस्से में भी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको प्रेस कर रही हूँ कि नीचे वाला हिस्सा भी अच्छे से सिक जाए, और अब मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा भी सिक चुका है। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से इसको कम ऑयल में भी इस तरीके से सेक सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके ऑयल लगा दिया है चारों तरफ, और इसको हल्का सा प्रेस करूंगी, और ये देखिए, अब ये पराठा हमारा बनके तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसको सर्व कर लिया चटनी और आम के अचार के साथ। आप चाहें जिसके साथ खा सकते हैं, दही के साथ या चटनी के साथ। और मैंने थोड़ा सा मक्खन रख दिया है, और ये पराठा, गोभी का पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा पराठा पसंद आया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।